मध्य प्रदेश के खंडवा में युवाओं के मन में सैनिकों के प्रति, फोर्स के प्रति कितना सम्मान है, आपको इस खबर से यह समझ में आ जाएगा। दरअसल एक युवा जो सेना में 12 बार भर्ती होने के लिए प्रयास कर चुका है, विफल रहने पर उसने सेना की सेवा और देश सेवा का एक अनूठा रास्ता चुना। दरअसल आपको बता दें कि इस युवा और उसके साथियों ने गन्ने की एक चरखी आईटीआई कॉलेज के पास लगाई और उसकी कमाई का 10% हिस्सा सैनिकों के कल्याण के लिए दे दिया। आपको बता दें युवक का कहना था कि वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा नहीं कर पाया, परंतु वह सैनिकों को आर्थिक मदद करके देश की सेवा करना चाहता है और इसी उद्देश्य से उसने यह सिस्टम बनाया और हर साल वह गन्ने की चरखी लगाएंगे, जो भी काम करेंगे उसका 10% हिस्सा सैनिकों के कल्याण के लिए देंगे, ताकि सैनिक हमारे आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएँ और देश की सेवा में इसी तरीके से जुटे रहें और उनकी मदद करके उन्हें भी ऐसी फीलिंग आती है कि वह भी ऐसा करके देश की सेवा कर रहे हैं। आज आप सैनिक कल्याण बोर्ड में आए थे, आपने कुछ पैसा भी दिया है अंदर, क्या मामला है, किस बात को लेके पैसा दिया है? सर, हमने गन्ने की जो उसकी दुकान लगाई थी ये आनंद नगर में आईटीआई के सामने, तो सर हमारा उद्देश्य ये था कि मतलब हम जो भी कमाई करेंगे सीजन में उसका 10% है ना हम सेना राहत कोष में देंगे, जो आज हमने जमा कर दिया है इसमें। अच्छा, क्या आपको क्या ये फीलिंग आई कि आपको ऐसा करना चाहिए? सर ये जो आइडिया है मेरे बड़े भैया का है, मेरे बड़े भैया ने क्या लगातार 12 बार सेना की भर्ती दी है लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो भैया ने मतलब एक उनका 10% का जो है मतलब उनका सेना में जाने का बहुत सपना था एक सर, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो भैया ने मतलब देश सेवा का एक ये जरिया चुना। अच्छा, हमारा उद्देश्य यही था कि अगर कोई सेना में नहीं जा पा रहा है तो और भी तरीके हैं देश सेवा के, तो इस प्रकार जो कंट्रीब्यूशन है हमारा भली थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है लेकिन इस प्रकार से देश की सेवा कर सकते सभी लोग और भी लोग शुरू करें, इसलिए हम लोगों ने इसको और प्रमोट भी किया, लेकिन आगे देखते हैं और कितने लोग इसमें जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह तोमर। आपका क्या नाम है? कपिल महानोर। शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से, गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा, बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं, स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध, आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर